सेकेंड हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हमारे पास सरफेस है वो क्या होनी चाहिए, 3 होना चाहिए अप टू 1 mm होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हमारे पास लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए और गुड वेंटिलेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास सारे प्रॉपर्टीज थी एक सरफेस की जिसमें हमारे पास गुड डिफ्यूजन होगी, ठीक है, जिसमें हमारे पास गैसियस एक्सचेंज अच्छी होगी, उसमें ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से हमारे पास सबसे पहले हमें पता है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास नोज़ आता है, जो हम विजिबली हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास नोज़ आता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। ये हमारे पास ओनली हमारे पास एक्सटर्नल विजिबल पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें हमारे पास बोन्स होंगे, कार्टिलेज होंगे, ठीक है, टिश्यूज़ होंगे, फिब्रोफेटी टिश्यूज़ होंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसके अगर एक्सटर्नल फीचर्स देखे जाएँ, ठीक है, हमारे पास अगर नोज़ का हम शेप वगैरह देखें तो हमारे पास डिपेंड करता है किस में, एथमॉइड बोन पे और उसके कार्टिलेज पे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास उसके नेक्स्ट फीचर्स में। सबसे पहले हमारे पास अगर हम नोज़ की बात करते हैं,